नहीं नहीं बना नहीं रहे हैं। सबसे पहले स्पष्ट क्लियर हो लीजिए कि नई पार्टी बन चुकी है जिसका नाम युवा समृद्धि दल है, YSD। यह पार्टी बिहार के वैसे साधारण युवा भाई बहनों के सोच है जो राजनीतिक तौर पे छले जाते हैं, जिनका राजनीतिक उत्पीड़न होता है, जिन्हें अपना अधिकार नहीं दिया जाता, हक मांगने पे लाठियां दी जाती हैं, हक मांगने पर मुकदमे किए जाते हैं। तो उन सभी युवाओं भाई बहनों ने मिलकर यह तय किया कि अब हम किसी के दरवाजे भीख मांगने नहीं जाएंगे, अब हम अपना दल बनाएंगे। और उसी का फलाफल है कि यह दल का मूर्त रूप ले सका है और यह दल आगे युवाओं को समृद्ध बनाने के लिए सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे समृद्ध बनाने की दिशा में कार्य करेगा। सर, इसके पहले आप नीतीश जी के पार्टी में थे, क्या कुछ समस्या हुआ कि आपको न्यू पार्टी बनाना पड़ा? नहीं 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 नहीं, हमारा कहीं कोई समस्या नहीं हुआ। अरे, हर विद्यार्थी किसी न किसी स्कूल में पढ़ता ही है, तो हम भी किसी दिन थे, लेकिन हमको लगा कि हमारा वो कांवर उठाने वाली नीयत हमारी नहीं है, झोला ढोने वाली हमारी नीयत नहीं है। लगा कि भाई ये राजनीति करने का कोई मतलब नहीं जिसमें युवाओं का हक ही मारा जाए। अच्छा। उसको हमेशा प्रताड़ना झेलना पड़े। सब लोगों ने तय किया कि अपनी पार्टी बनानी है तो बन चली। अगर आपको सीटी ले आते हैं तो क्या लगता है सीट जीतने के बाद महागठबंधन या भाजपा किसको जाना चाहिए? आप विश्वास रखिए, कुछ सीटें नहीं लाएंगे तो पूर्ण बहुमत लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। किसी पार्टी में जाएंगे सर? अरे किसी से गठबंधन नहीं करेंगे साहब। 75% आबादी हमारी, हम जाएंगे भीख मांगने किसी और के दर पे? ऐसा होगा क्या? लोग आएंगे इस दर पे माथा टेकने, वक्त का इंतजार कीजिए। 75% पर तो और लोगों की भी दावेदारी, आप अकेले दावेदार नहीं है। हम अकेले दावेदार हैं। और हम कहते हैं कि हमारे दावेदारी में अगर हिस्सेदारी चाहिए तो हमारी मांगों को पूरा करके दिखाई, पूरा करेंगे तो मान लूंगा मैं आपकी क्या हमारे दावेदार। पूरे तौर से भगवा मैं नजर आ रहे हैं आप लोग के। भगवा हमारा संस्कृति है, तिरंगे में केसरिया हमारा संस्कृति है, और ये समग्र शक्ति का प्रतीक है। किसी की जागीर नहीं है, अगर कोई जागीर समझता है तो ये उसकी भूल है। आगे जाके भाजपा की बी टीम तो नहीं कहलाएंगे? काहे का भाजपा की बी टीम और सी टीम? अरे भाई, हम ए टीम है, सत्ता तक लोगों को पहुंचाते हैं, कल तक पहुंचाते आए हैं, आगे नहीं पहुंचाएंगे। सर, युवा समृद्धि दल पार्टी अपना नाम है, आज पार्टी बनाए हैं, इसको लेकर बिहार की जनता को क्या संदेश देंगे? जी, आज आप युवा समृद्धि दल बनाए हैं, पार्टी बनाए हैं, इसको लेकर बिहार की जनता को क्या संदेश देंगे? बिहार की जनता, बिहार के जितने हमारे अभिभावक हैं, बिहार के जितने हमारे नौजवान भाई बहन हैं, उनको यह संदेश देना चाहते हैं कि अब आपको किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं है, आपका अपना घर बन चुका है। ऐसा घर जिसके आप 24/7 आप मालिक होंगे, आप अपना भविष्य खुद तय करेंगे, कोई तय करने वाला नहीं होगा। आइए।